Good morning students, today we are going to start our chapter 3rd sports equipment of sports world. Okay, तो आज हम sports world का chapter 3rd पढ़ेंगे. Things that we use while playing a sport are called sports equipment. Okay, तो जो भी हम sports में खेलने के लिए जो भी हम चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो भी हम थिंग्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. मतलब जो भी हमारा गेम है उससे रिलेटेड हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है खेलने के लिए, उन्हें हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलते हैं. ओके, वी यूज सम ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर आर सेफ्टी. तो हम कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैसे होते हैं जो हम सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, है ना, और कुछ गेम से रिलेटेड हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को पहचानना है. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, देखो, नीता लाइक्स टू प्ले टेनिस, सर्कल द राइट इक्विपमेंट द नीड्स शी नीड्स टू प्ले द स्पोर्ट्स. तो नीता को क्या पसंद है? टेनिस खेलना पसंद है. एंड हमें क्या करना है? सही इक्विपमेंट को सर्किल लगाना है जो कि इसे इस स्पोर्ट को खेलने के लिए ज़रूरत पड़ती है. मतलब टेनिस खेलने के लिए जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें उस पर सर्किल लगाना है. तो टेनिस हम किससे खेलते हैं? एक तो टेनिस बॉल से एंड रैकेट से. तो मैंने यहाँ पर टेनिस बॉल पे एंड रैकेट पे क्या लगाया हुआ है? सर्किल लगाया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, एंड बाकी जो भी है यहाँ पे देखो, ये है एक फुटबॉल है और ग्लव्स है एंड शूज़ है एंड एक यहाँ पर हमारे पास कॉक है. ठीक है, शटल कॉक है. तो हमें टेनिस खेलने के लिए किसकी नीड होती है? एक बॉल की, टेनिस बॉल की एंड एक रैकेट की. ओके, तो अब सेकंड है हमारा, सुरेश लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, सर्कल द राइट इक्विपमेंट ही नीड्स टू प्ले द स्पोर्ट. तो सुरेश को क्या पसंद है? वॉलीबॉल खेलना पसंद है. तो हमें किस पे लगाना है? वॉलीबॉल खेलने के लिए जो भी इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत होती है उस पर हमें सर्कल लगाना है. तो हमारा यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है. एक है हमारा यहाँ पे बॉल, वॉलीबॉल, उसको मैंने यहाँ पे सर्किल लगाया है. और एक है नेट, तो मैंने यहाँ पे नेट को लगाया है सर्किल, क्योंकि बॉल की हमें ज़रूरत होती है और एक नेट की हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है. ओके स्टूडेंट, बाकी हमारे पास में देखो क्रिकेट से रिलेटेड है, ये ग्लव्स, बॉल एंड ये जो भी स्टिक्स है हमारे यहाँ पे, स्टंप जो है. ओके, अब थर्ड है हमारा, अमित लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, सर्कल द राइट इक्विपमेंट ही नीड्स टू प्ले द स्पोर्ट. तो यहाँ पे हमें क्रिकेट, अमित को क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है. तो हमें क्रिकेट खेलने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है हमें उसको सर्किल लगाना है. तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे स्टंप, स्टंप्स पे मैंने सर्किल लगाया, देन मैंने बॉल पे सर्किल लगाया, फिर मैंने बैट पे लगाया है, एंड यहाँ पे एक हेलमेट है हमारा जो कि सेफ्टी के लिए होता है, एंड ग्लव्स जो कि हाथों में पहनते हैं ग्लव्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी. तो आप ये इजीली कर सकते हैं एंड आपको पता चला होगा कि कौन से गेम में हमें कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है. ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है वेदर वर्ड्स. ये वेदर वर्ड्स हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1. किसका है? फन विद वर्ड्स. फन विद वर्ड्स का ये चैप्टर 1 है हमारा. ओके, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. द वेदर चेंजेस एवरी डे. तो जो वेदर है मीन्स मौसम. वेदर हमारा एवरी डे चेंज होता है, हर दिन हमारा वेदर चेंज होता रहता है मौसम. ओके, वी कैन डिस्क्राइब डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वेदर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. तो हम क्या करते हैं, किसी भी वेदर की कंडीशन, वेदर को हम डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब अलग अलग मौसम को बताने के लिए हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, सबके लिए अलग वर्ड होता है. कोई भी हमारा मौसम है, जैसे हम गर्मी है तो गर्मी को हम समर बोलते हैं ना. ओके, तो उस तरह से हर मौसम के लिए एक अलग वर्ड होता है. तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज है, मैच द पिक्चर्स विद द एप्रोप्रिएट वेदर वर्ड्स. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पिक्चर्स कुछ दी हुई हैं, 6 पिक्चर्स हमें यहाँ पे दी हुई है और हमें इन्हें मैच करना है. कैसे मैच करना है? देखो,
आपको जो फर्स्ट पिक्चर दी हुई है उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्नो है, ठीक है, यहाँ पे स्नो फॉल हो रहा है, यहाँ पे ट्रीज है उन पे भी स्नो जमी हुई है, आइस जमी हुई है, तो ये कैसा मौसम हो गया, स्नोवी मौसम हो गया, मतलब इसमें स्नो है तो ये मौसम हो गया स्नोवी। तो मैंने यहाँ पर इसे सी स्नोवी से मैच कर दिया है। ओके, अब सेकेंड पिक्चर हमारी कैसी दिख रही है, ये यहाँ पे आपको आपको देखो स्काई है, स्काई में आपको कुछ क्लाउड दिखेंगे, दिख रहे होंगे, और थोड़े बहुत क्लाउड्स हैं, एंड बाकी आपको एकदम शाइनी शाइनी कैसा है, शाइनी सन है, ठीक है, सन आपको एकदम ब्राइट दिख रहा है। तो ये कैसा मौसम हो गया हमारा, ये वेदर है हमारा सनी। ओके, तो मैंने ए ऑप्शन से इसे मैच कर दिया है सनी से। ओके, एंड अब हमारा है थर्ड पिक्चर। थर्ड पिक्चर आपको कैसी दिख रही है, थर्ड पिक्चर में एक देखो, थर्ड पिक्चर में एक मेडो है, ओके, एंड मतलब खाली मैदान है, और उसके ऊपर आपको देखो बहुत सारे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, तो स्काई में ओनली क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा कैसा वेदर हुआ, ये हमारा है क्लाउडी वेदर। ओके, तो मैंने इसे क्लाउडी से मैच कर दिया है इस पिक्चर को। अब हमारी जो फोर्थ पिक्चर है, उस पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको एक पर्सन दिखेगा, ठीक है, उसने अम्ब्रेला लिया हुआ है, एंड हमारा यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये कैसा मौसम है स्टूडेंट्स हमारा, आपको पता चल ही गया होगा ये हमारा बारिश वाला मौसम है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रेनी। तो ये सीज़न हुआ, ये वेदर जो हुआ, ये हुआ हमारा रेनी। तो मैंने बी ऑप्शन से इसे मैच कर दिया है रेनी से। ओके, एंड फिफ्थ जो पिक्चर है उसमें देखो आपको यहाँ पे ट्रीज नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, तो और वो ट्रीज हैं उनमें ऐसा लग रहा है बहुत ज़ोर से हवा चल रही है। ओके, तो ये हमारा कौन सा मौसम हुआ, ये हुआ हमारा वेदर वाइंडी। क्यों, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे कितनी मतलब तेज़ हवा चल रही है, बहुत फास्ट, तो इसलिए मैंने डी ऑप्शन से इसे मैच कर दिया है। एंड अब लास्ट पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें देखो आपको यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे आपको देखो पानी नज़र आ रहा है नीचे, उसके ऊपर बहुत सारे बादल हैं और बिजली कड़क रही है, एंड तूफान वाला मौसम है एकदम बहुत ज़ोर से। तो ये कैसा मौसम हो गया, ये हमारा जो वेदर है ये हुआ स्टॉर्मी मौसम, ठीक है, स्टॉर्म आ रहा है बहुत ज़ोर से, इसलिए ये मौसम कैसा हुआ हमारा, स्टॉर्मी। तो इस तरह से हमने वेदर को डिफाइन किया है, यहाँ पे अलग अलग वेदर को अलग अलग वर्ड से डिस्क्राइब किया है, अलग अलग वर्ड से इसको बोला है, ठीक है। तो आपको समझ आया मैंने यहाँ पे कितने वेदर के बारे में बताया आपको, सनी, रेनी, स्नोवी, वाइंडी, स्टॉर्मी, क्लाउडी, ठीक है। तो हमने सिक्स टाइप के वेदर यहाँ पे देखा, ठीक है, कैसे आपको आपकी डेली लाइफ में आपको देखने को भी मिलते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स।